कृष्णा ग्रिंग जय काल भैरव। तो आज का हमारा टॉपिक है करंट फीलिंग्स। कोई बहुत खुश है आज? ठीक है, ये हमारा टॉपिक एंड वी आर गोइंग टू द रीडिंग। हमने लिए हैं तीन ऑब्जेक्ट, टैरो है, ये है गिफ्ट ओरेकल एंड हिंदी ओरेकल। ठीक है, डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल नोटिफिकेशन डेफिनेटली ऑन कीजिए। ठीक है, तो चलो हम शुरुआत करते हैं टैरो से। ठीक है, देखते हैं कि कोई आज इतना खुश कैसे हैं, क्यों है, क्या है। लेट्स कनेक्ट। ये हमें दो कार्ड्स, तीन कार्ड्स मिले हैं। पहला जो कार्ड है नाइट ऑफ कप्स, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस। फिर मिला है भाई, ये है थ्री ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न। एंड तीसरा जो कार्ड मिला है वो है जस्टिस लीब्रा। काफी चुनिंदा कार्ड्स आ रहे हैं एंड एक बहुत ही बेहतरीन कहानी हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। सो लेट्स सी इस कहानी में और कौन से मोड्स हमें देखने को मिलते हैं। सो कीप फोकसिंग ऑन दैट। ठीक है, चलो हम करते हैं शफलिंग। बाकी तो हमें वैसे साइंस मिले हैं कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस एंड टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न। नेक्स्ट कार्ड मिला है वो है थ्री ऑफ कप्स एंड वी गॉट एट ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, यानी कि फिर ये पर्सन अब बंधन मुक्त रहना चाहता है, जो कि इसके हिसाब से सही भी हो सकता है। भाई हम कौन होते हैं जज करने वाले, है ना। नेक्स्ट कार्ड आ गया है टेन ऑफ कप्स, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस। तो ये एक वजह मिल गई क्यों ये पर्सन इतना खुश है, वो चीज यहाँ पे देखने को मिली है। नेक्स्ट कार्ड है एट ऑफ कप्स एंड एक और कार्ड लेते हैं जो कि है भाई स्ट्रेंथ। ठीक है, अगेन एक कार्ड आ गया थ्री ऑफ सोर्ड्स, तो वो यहाँ पे रखते हैं। अब अगर आप इन कार्ड्स को ध्यान से देखते हैं तो काफी सारी चीजें हमें यहाँ पे एक्सप्लेन होती हुई नजर आती है, है ना। जैसे कि अगर हम शुरुआत देखते हैं, नाइट ऑफ कप्स है, थ्री ऑफ पेंटिकल्स है, जस्टिस है, स्ट्रेंथ है, एट ऑफ कप्स है, टेन ऑफ कप्स है, एट ऑफ सोर्ड्स है एंड थ्री ऑफ सोर्ड्स है। तो जो साइंस यहाँ पे वो है कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न एंड जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। यानी कि जो साइन मिसिंग है वो है एरीज लियो सैच। बाकी जो हमें एक मेजर अरकाना का कार्ड मिला है वो है जस्टिस लिब्रा का एंड दूसरा है वो है स्ट्रेंथ यानी कि लियो का। तो एरीज लियो सैच में जो लियो यहाँ पे आ चुका है, फायर साइन बन गया। अगर हम कनेक्शन देखते हैं तो बेसिकली मेरे हिसाब से ये पर्सन खुश क्यों है, ये जो एनर्जी है ओवरऑल अगर हम देखें तो किसी किसी के लिए आज पूरे दिन भर की हो सकती है, किसी किसी के लिए ओवरऑल हफ्ते भर की भी हो सकती है या फिर चलती आ रही है, यू नो मे बी एक हफ्ते से या एक महीने से चलती आ रही है, हर एक के लिए वो अलग अलग होता रहता है। अगर हम साइन देखते हैं, पहले यहाँ पे जस्टिस का कार्ड यहाँ पे आ चुका है नंबर थ्री पे, यही पॉइंट आउट कर रहा है बहुत सारी चीजें। ये पर्सन बहुत एक खुशनुमा माहौल में जी रहा है एंड क्यों नहीं, जिसे हम कहते हैं ना कि भाई आपको पे बैक मिलता है, जो भी आप कर्म करते हो आपको उसका फल मिलता है, बिल्कुल वही हो रहा है इस पर्सन के साथ। जस्टिस इसको सर्व हो रहा है, यानी कि भाई न्याय मिल रहा है इसको। अब मे भी हो सकता है कि पिछला महीना हो या फिर कुछ हफ्ते हो, इसने बहुत कुछ सहा होगा और अब जो है इसकी दिवाली शुरू हो गई है, अच्छे दिन आ चुके हैं, बिकॉज ऑफ दैट अब ये हर चीज को एंजॉय कर रहा है। अगर हम देखें थ्री ऑफ कप्स, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस, फ्रेंड्स का भी बहुत ज्यादा प्रभाव है यहाँ पे। फ्रेंड्स काफी सपोर्ट कर रहे हैं एंड ये एक वंडरफुल अचीवमेंट हम कह सकते हैं। कई बार ऐसा होता है ना कि भाई चाहकर भी फ्रेंड्स से बात नहीं हो सकती या फिर वो अपने अपने जिंदगी में बिजी रहते हैं, अब ऐसा नहीं है, फ्रेंड्स इंजॉय कर रहे हैं, कलीग्स बात कर रहे हैं। तो जो भी स्ट्रेस था जिंदगी का या फिर अगर थोड़ा बहुत है भी तो बहुत ईजिली मैनेज होता है। कई बार हम देखते हैं कि कुछ एम्प्लॉयज होते हैं काम करने वाले, वो बहुत स्ट्रेस में रहते हैं और कई बार सीईओ जिसके ऊपर कर्जा होता है वो भी बहुत हंसते हुए जाता है। तो ये अपने अपने जीवन को तरीके का एक जीना होता है, यू नो कि आप किस तरह से अपने जीवन को हैंडल कर सकते हो, तो वो चीज़ यहाँ पे आती है। बट बस यही नहीं, यहाँ पे एक और चीज़ अगर आपको उसकी वजह जाननी है, ये है स्ट्रेंथ के लियो का कार्ड। भाई स्ट्रेंथ इस व्यक्ति को मिल चुकी है, हो सकता है आप उसके पीछे के रीजन हो या फिर उनके फैमिली, उनके पेरेंट्स या फिर जो लक्ष्य उन्होंने तय कर दिया था कि भी मुझे ये अचीव करना है, चाहे फिर कहीं पे पास होना है या फिर यू नो मुझे इतने पैसे कमाने हैं या फिर मुझे इस पोस्ट पे जाना है, जो भी उन्होंने डिसाइड किया था शायद वो कंप्लीट हो चुका है
और इसीलिए अब वो सेलिब्रेट कर रहे हैं यहाँ पे। अगर हम इस कार्ड को देखें 10 of Cups, तो ये वंडरफुल एनर्जी है यहाँ पे। हो सकता है हर कोई उनके जीवन में अपने अपने माहौल में खुश हैं। फैमिली की बात करें, चाहे वो चाचा हो, चाहे वो पेरेंट्स हो, चाहे वो भाई बहन हो, कजिन्स हो, सब इंजॉय कर रहे अपनी ज़िंदगी में, सब कुछ हेल्दी है। दादा दादी नानी भी शायद बहुत हेल्दी हैं। अगर हम बात करते हैं फ्रेंड्स की, वो भी सही हैं। अगर हम बात करते हैं आपकी, मे बी आप भी सही हो, बिकॉज ऑफ दैट इस पर्सन को अब कोई बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी का फैक्टर अब उनके कंधे पे नहीं है। एंड यही एक वजह हो सकती है क्यों ये पर्सन काफ़ी इंजॉय करने की मूड में है। ठीक है, अगर हम इस कार्ड को देखते हैं, जो कि 8 of Swords, ये चीज़ हो चुकी है ऑलरेडी, कि भाई किसी की याद में जीना, घुट घुट के जीना, या फिर तकलीफ में सहना, ये हो चुका है। एंड इसीलिए अब ये एनर्जी इसको तकलीफ नहीं देती। ठीक है, जैसे कि मान लो आपको पता नहीं था कि कोई व्यक्ति इतना हॉट कप ऑफ टी आपको सर्व करेगा, आप में भी पहले जीभ जल गई होगी। अब दोबारा जब आप आ रहे हो, आप चाय फूक फूक के पी रहे हो, तो आपको अब तकलीफ नहीं होती, आप एंजॉय कर रहे हो, वो चीज है यहाँ पे। नाइट ऑफ कप्स कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस की एनर्जी यहाँ पे अगर हम इसको देखते हैं, तो अब ये पर्सन बिल्कुल भी अपने इमोशंस को होल्ड नहीं कर रहा है, बल्कि कह रहा है कि अभी मुझे जो करना है मैं करूँगा, जैसे कि फोटोग्राफी करनी है, मॉडलिंग पोजेस देने हैं, यहाँ वहाँ घूमना है, डेफिनेटली वो है। अगर प्रपोज भी करना है, कमिटमेंट देनी है, उसके लिए भी काफ़ी अच्छा माहौल हमें यहाँ पर दिखता है। 3 of Pentacles, अपना काम करते जा रहे हैं, काम के प्रति लगाव बहुत अच्छा, और जो भी इनके साथ काम करें उनको पता है कि भी ये परफेक्ट काम करते हैं, इनके काम में नुक्स निकाल ही नहीं सकते। तो ये एक वजह है क्यों ये पर्सन काफ़ी खुश हैं अपनी ज़िंदगी में। 8 of Cups, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस, जो लोग इनको सपोर्ट नहीं करते, या फिर जो यादें इनको तकलीफ देती हैं, उनसे इन्होंने पर्दा कर दिया है, इनसे ये बहुत दूर जा रहे हैं, मतलब मुझे उनसे कुछ कम्युनिकेट करना ही नहीं है। और ये जब एटीट्यूड होगा, तो ना तो वो व्यक्ति आपको तकलीफ देगा, ना तो वो घटनाएं आपको तकलीफ देगी। ठीक है, वो चीज़ यहाँ पे क्लियर होती है। हालांकि जो लास्ट कार्ड है वो है 3 of Swords, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। अगर मान लेते हैं कि कहीं किसी का ब्रेकअप लिखा है, या फिर कोई इनसे नाराज़ है, तो भी पर्सन कह रहा है ठीक है भाई, नाराज़ आप हो, मैं तो नहीं हूँ, तो मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। और मे भी अब तक ऑफिशियली कुछ हुआ नहीं है, तो अगर आप में से कोई अगर ब्रेकअप से गुजर रहा है और अभी तक ब्रेकअप नहीं हुआ है, या फिर आपके दिल में इनके प्रति थोड़ी सी नफरत जागी है, या फिर जो भी है, जब तक आप डायरेक्टली इस बात को नहीं कहते, ये पर्सन शायद उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, उसके हिसाब से भी चीजें अभी भी हैंडल हो सकती है। और इसलिए पर्सन कह रहा है कि मैं तो अभी खुश हूं, शायद उसके हिसाब से आपको भी खुश होना चाहिए, या फिर जैसे कि कार्ड यहाँ पे आ चुके हैं, मेरे हिसाब से ये पर्सन जो है वो आपके साथ जीवन में आगे बढ़ना चाहता है। हालांकि आप दोनों को ही इसके बारे में एक डिसीजन लेना होगा कि आप दोनों मिलकर क्या डिसीजन लेते हो। ठीक है, बहुत सारे कार्ड यहाँ पे आ चुके हैं। देखो भाई, जो पहला कार्ड है वो है फेथ इन योरसेल्फ। इस पर्सन को खुद के ऊपर विश्वास है, जो कि बहुत ही अच्छी चीज़ है, हम यहाँ पे देख सकते हैं। सेकंड जो कार्ड है, माइंड नीड रेस्ट। इसने शायद बहुत ज़्यादा सोच रखा है, बिकॉज ऑफ दैट अब इसको रिलैक्स करना है, अब ज़्यादा सोचते नहीं है, जैसा भी दिन आता है उन्होंने तय कर लिया है मुझे बस स्माइल करनी है, फिनिश वॉट यू स्टार्टेड, ये एक चीज़ है यहाँ पे। तो जो भी उन्होंने शुरू किया है, चाहे वो खेत जोतना हो, चाहे वो काम करना, वो कंप्लीट करें। उनको नहीं पता कि सिचुएशन कैसे टर्न अप होगी। फ्रेंडशिप, जैसे मैंने कहा फ्रेंडशिप है यहाँ पे, फ्रेंड्स मदद कर रहे हैं, सारी चीज़ें अब स्पीड अप हो चुकी है, तो इनको और ज़्यादा रुकने की ज़रूरत नहीं है। इमोशंस को अच्छी तरीके से इन्होंने कंट्रोल कर लिया है, और अब वो सिर्फ खुशी में रहना चाहते हैं। रिबेलियस बन चुके हैं, तो अब नहीं चाहते कि दुख के साए में जिए वगैरह, वो चीज़ भी यहाँ पे एक्सेप्टेबल है। इम्पेशेंस है, तो अब तक शायद पेशेंस रखा था, आपने कहा था कि भाई नहीं मुझे और समय लेगा, ठीक है भाई, लेकिन अब इम्पेशंस हो रहे हैं ना, कि भाई अब इनको किसी और की बातें नहीं सुननी, जो इनको खुश कर सकता है, फिर जो इनको खुशी दिला सकता है, ऐसे मोमेंट में ही वो जीना चाहते हैं। नीड टू ओपन अप, शायद इतने ज़्यादा लोगों से कम्युनिकेट नहीं करते थे, दूर दूर रहते थे, अब ये चेंज कर लिया है कि लोगों से दूर क्यों भागना, फ्रेंडशिप करते हैं एंड मूव ऑन होते हैं। नेक्स्ट कार्ड मिला है वो फाइटिंग और आर्ग्यूमेंट्स, ये चीज़ें हैं।
जो हमने देखा कि ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी बिल्कुल वही है भाई, आप दोनों को डिसाइड करना है फाइटिंग करनी है या आर्ग्यूमेंट्स करनी है। आर्ग्यूमेंट्स के ऊपर हल निकल सकता है लेकिन फाइटिंग के ऊपर कई बार हल नहीं निकलता, वो चीज़ यहाँ पे देखने के लिए होती है। सेकंड जो कार्ड है हसीन, काफ़ी हसीन लम्हे इनकी ज़िंदगी में आ चुके हैं, ये उनको अभी एंजॉय करना चाहते हैं, शायद किसी की सगाई भी हो सकती है, यू नो दैट इज़ अ वंडरफुल थिंग, ये एक अच्छी चीज़ है। अगर हम देखते हैं नेक्स्ट जो कार्ड आ गया है वो है हाँ, तो हाँ मेरे हिसाब से अब ये चीज़ को हाँ कह रहे हैं, यानी कि पहले जीवन में था ना कि नहीं भाई नहीं नहीं, या फिर फोन खरीदना है नहीं, फ्रेंडशिप करनी है नहीं, तो अब इस नहीं को वो बस हाँ करते जा रहे हैं, यू नो तो दैट इज़ अ वन थिंग। एंड जो फाइनल कार्ड है वो है करियर, तो करियर के ऊपर फोकस है, करियर में बहुत अच्छा चल रहा है, कहीं ना कहीं अपनी जगह पे सूटेबल है, बेस्ट है, बिकॉज ऑफ दैट अब एक पर्सन कह रहे हैं कि मुझे अब कोई चिंता नहीं है, इसलिए पर्सन क्यू खुशी में जी रहा है, ये आपको यहाँ पे क्लियर हो रहा है। ये था आज का रीडिंग।